भक्तों ने यह साबित कर दिया कि इस नगर के हर एक शख्स के हृदय में भगवान राम का वास है। पूरा सावेर आज भगवा रंग के रंग में रंग गया। इसी दौरान उल्टे हनुमान मंदिर के गुरु का सम्मान भी किया गया। बता दें कि राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद सावेर में करीब 11,551 दीप जलाकर राम मंदिर निर्माण का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। सावेर के हर गली और मोहल्ले चौराहे पर सिर्फ श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। लोगों ने घर घर दीप जलाकर आतिशबाजी भी की, जिसके बाद महाआरती हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस जश्न को मनाने के लिए सावेर में एक हफ्ते पहले से ही सभी तैयारियां की गई थी। इस दौरान श्री पाताल हनुमान यानी के उल्टे हनुमान मंदिर पर इंदौर जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा व अन्य लोगों द्वारा मंदिर के पुजारी श्री मोनू गुरु का सम्मान भी किया गया। सावेर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज कई वर्षों के बाद या कई सदियों के बाद आज जो भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, भूमि पूजन हुआ, इसको लेकर क्या भावनाएं हैं आप लोगों के मन में, कैसा लग रहा है, क्या उत्साह है? देखो, जिस तरीके से 492 साल का जो इंतजार था वो आज प्रत्येक हिंदुओं की आस्था का आज पूरा हुआ है। आज देश के महान जननायक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के साधु संतों के हाथों श्री राम लला जन्मभूमि अयोध्या में भूमि पूजन हुआ और मंदिर बहुत जल्द हमको एक विशाल मंदिर देखने को मिलेगा। एक जो लंबे अंतराल से लड़ाई चल रही थी, आज वो लड़ाई पूरी हुई और इस तरीके का एक सौहार्द का वातावरण रहा पूरे देश में। एक दीपावली जैसा वातावरण आप सब देख रहे हैं, हर मंदिरों में, घरों पर महिलाएँ रंगोली बना रही है सब परिवार के साथ में। एक दीपावली जैसा वातावरण आज 5 अगस्त 2020 को पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक परिवार में हो रहा है। भाजपा ने बहुत प्रयास किया था, अटल जी, श्रद्धे अटल जी और लाल कृष्ण अडवाणी जी पूरी तरह से लगे हुए थे, तो आज जो उनका सपना पूरा हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी के शुरू से एक ही लक्ष्य था कि रामलला जन्मभूमि अयोध्या में फिर से राम जी का मंदिर बने, क्योंकि 492 वर्ष पूर्व जो मंदिर टूटा था, क्योंकि वो मंदिर अभी बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपनी आस्था का केंद्र रखा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का हो या स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मोदी जी, इन सब का एक ही सपने लेकर हम चले थे। आज हमें गर्व है कि हम ऐसे एक राजनीतिक दल से हैं कि जिस दल ने जो वादा किया आज वो वादा पूर्ण हुआ। का भूमि पूजन हुआ है, उसके निर्माण होने जा रहा है, बहुत जल्दी भव्य एक मंदिर तैयार होने जा रहा है, आज प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, उसे लेकर क्या कहेंगे? ये हमारे सनातन के लिए यदि हम कहें कि एक अद्वितीय पल है। अद्वितीय शब्द भी छोटा रहेगा, दिव्य शब्द भी छोटा रहेगा, उत्सव शब्द भी छोटा रहेगा, आनंद शब्द भी छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि यह अपने आप में एक अद्वितीय शब्द, अद्वितीय स्मरण है। हमने आने वाली पिछली पीढ़ी में और नई जो पीढ़ी आएगी उन्होंने यह सोचा भी नहीं था कि यह क्षण हमें देखने के लिए मिलेगा। तो यह हमारा परम सौभाग्य है कि इस कार्यकाल में शासन प्रशासन जो भी रहे, परंतु इतना बड़ा निर्माण एक हिंदू धर्म के लिए होना, यह हमारा परम सौभाग्य है और परम आनंद का विषय है कि हमने यह हमारे नेत्र से स्वयं हमने देखा और इसका अनुभव हमने किया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को इस अवसर पर? यह मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जिस मंदिर के 4 स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ पे पूरा मंदिर का निर्माण होता है, वैसे ही हमें अब हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। आज मंदिर में क्या आयोजन है? आज मंदिर में यहाँ पर सहस्त्र दीपक से भगवान का श्रृंगार किया गया था। सहस्त्र दीपक से मंदिर को सुंदर सजाया गया था, क्योंकि हमारे लिए पुनः दीपावली है। वह दीपावली भी छोटी होगी क्योंकि आज हमारे लिए भव्य दीपावली है, इसलिए आज हमने पुनः रामलला वहाँ पर विराजे हैं। तो यहाँ पर सहस्त्र दीपक से मंदिर को सुसज्जित करा था और एक सुंदर वाक्य कहा गया कि हलवे में हनुमान विराजे, तो यहाँ पे हनुमान के रूप में हलवे की प्रसादी का वितरण किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे दीपक और हलवे का भोग लगाकर भगवान का यह दिव्य उत्सव मनाया गया है। आपका नाम? शासकीय पुजारी पंडित नवीन व्यास।